कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम में कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर निशाना साधा और 15 महीने की कमलनाथ सरकार को 18 साल की शिवराज सरकार से बेहतर बताया। प्रदेश भर में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। इसी के तहत सिंगरौली में भी कांग्रेस सेवा दल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष रूपेश चंद्र पांडे ने कहा कि 18 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में मिट्टी का तेल, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आम जनता के हित में सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। जब 15 महीने के लिए हमारी सरकार आई थी तो किसान कर्ज माफी से लेकर पेंशन वृद्धि जैसी कई योजनाएं हमने लागू की थी। हमने 15 महीने में वो काम कर दिया जो भाजपा 18 साल में नहीं कर पाई। आज ग्राम पूरी नौगई में जिला कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली के द्वारा आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों से जनसंपर्क किया गया, जिसमें खासकर हरिजन जो बसोर जात के लोग हैं, एससी समुदाय के सारे लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को प्रचार प्रसार कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से किया गया, जिसमें आज देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के संबंध में खुलकर के बात की गई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।